हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम बायो क्लासेस। तो आज हम साइक्लो प्रोडक्ट्स की नॉमनक्लेचर करने जा रहे हैं। ये मैंने कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इनकी आज हम नॉमनक्लेचर करेंगे। बहुत ही सिंपल रहेगा। तो बेसिकली ये 5 कार्बन वाला साइकिल है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हम एन लगा के चलेंगे। ये क्या है, इसके फर्स्ट पोजिशन हमने सब्स्टिट्यूट साइड ग्रुप को या सब्स्टिट्यूट को पहला नंबर देना है और नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो वन पोजीशन पर ही है, तो हम सिंपल लिख देंगे कि मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर थर्ड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो इसके फर्स्ट पोजीशन अब 2 या तो इसको देंगे या इसको देंगे, तो हम बेसिकली नीचे वाले को 2 देंगे क्योंकि इससे दूसरे नंबर के साइड ग्रुप को भी प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 2 डाइमिथाइल पेंटेन साइक्लोपेंटेन, गॉट इट। अगर मैं इसकी फोर्थ नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 आप ऐसे करोगे, ठीक है, या आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे 1 2 3 4 5। इससे क्या हो गया कि प्रेफरेंस क्या हुई, पहले केस में क्या हो रहा था, 1 और 3 पोजीशन मिल रही थी, अब बाद वाले केस में 1 और 5 4 पोजीशन मिल रही है। तो हम जिससे ज़्यादा प्रेफरेंस होगी वही हमने देना है, जितनी जल्दी साइड ग्रुप आ जाए। तो 1 3 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन, बेसिकली जैसे हमने लोएस्ट सम रूल में किया था वैसे ही साइड ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है आपने, गॉट इट। और हाँ, एक और बात, जैसे अब ऐसे हैं कुछ बच्चे इसका नॉमनक्लेचर में ऑर्थो यूज़ कर देते हैं वर्ड। बेटा ऑर्थो वर्ड हम सिर्फ बेंजीन के केस में करते हैं, अगर ऐसे कोई ग्रुप्स बने हों तो हम ऑर्थो के नेम से स्टार्ट करते हैं, या ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है इसको पैरा पोजीशन बोला जाता है। अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हों तो इनको मेटा बोला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा कुछ दिया हो तो ऑर्थो नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ ये सब चीज़ें बेंजीन के केस में होती हैं, नॉर्मल साइक्लो के अंदर नहीं होती, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, ये है, हम डबल बॉन्ड को हमेशा आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होता है, ठीक है। और पहला रूल क्या है, डबल बॉन्ड प्रेफर करो। दूसरा है कि साइड ग्रुप अगर है कोई तो उसको भी प्रेफर करो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी डबल बॉन्ड को प्रेफर करने की है। तो इसके अंदर अगर मैं नॉमनक्लेचर की बात करूँ तो मैं 1 2 करूँगी। हमने नंबरिंग इस हिसाब से करनी है, देखो, या तो 1 2 ऐसे कर सकते हो या 1 2 देखो 1 2 कर सकते हो। तो ऐसा तो हम इस वाले केस का तो ये तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा अगर 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, तो 1 पोजीशन मिल गई डबल बॉन्ड को और 6 पोजीशन मिल गई इसको, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। तो बेसिकली या तो आप 1 2 3 4 5 6 करते हो, या आप क्या करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेते हो, तो ये भी गलत होता है। हमने जो डबल बॉन्ड होता है उस पूरे को कवर करना होता है, तो मैंने पूरे को कवर किया ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से आपको पूरे को कवर किया है मैंने। ये जो नंबर, ये 1 का मतलब है कि ये 1 पे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल साइक्लो हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन वाला हेक्स, 1 1 पोजीशन पर इन लगा हुआ, गॉट इट। इन किस लिए, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, कहीं कोई गलती ना रह जाए आपसे, ठीक है। ये है, हमने क्या करना है, फर्स्ट जो रूल है वो है डबल बॉन्ड को आपने प्रेफर करना है। दूसरा रूल क्या कहते हैं कि साइड ग्रुप को भी आप प्रेफर करोगे, ठीक है, नंबरिंग के लिए। तो बेसिकली मेरे को इस हिसाब से नंबरिंग करनी है कि पहले डबल ग्रुप डबल बॉन्ड आ जाए, फिर साइड ग्रुप को भी नंबर मिल जाए।
लेकिन कुछ बच्चे जो मैं आपको बोल रही हूँ कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इससे क्या पता लगे कि वन वन, इससे पता लगता है कि वन पर डबल, वन पर नहीं है डबल बॉन्ड। यहाँ अगर करते हो तब पता लगेगा कि वन पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। इसके अकॉर्डिंग क्या पता लगेगा कि सिक्स पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ना कि वन पर। तो इसलिए हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, गॉट इट। इसके बाद हमारे पास अगला स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ठीक है। सिमिलरली यही रूल दोनों हमने फॉलो करने हैं, पहले डबल बॉन्ड प्रेफर करेंगे। तो डबल बॉन्ड प्रेफर करने का रूल है, या तो 1 2 3 4 5 6 करोगे, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो फर्स्ट और ये सेकंड, या कोई नोमेनक्लेचर करेगा कुछ इस हिसाब से, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डबल बॉन्ड को प्रेफर किया है, बट साइड ग्रुप की बात अगर करें इसमें 3-ethyl है और 6-methyl है, ठीक है, और इसमें 3-methyl है 6-ethyl है। तो हमने रूल क्या किया था, अल्फाबेटिक रूल, ये हमने रूल किया था। इसके अकॉर्डिंग ये प्रेफर होगा क्योंकि ई जो होता है वो ए बी सी डी के अंदर पहले आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसलिए थर्ड पोजीशन पर ये वाला रूल होगा फॉलो। तो इसके अकॉर्डिंग नेम क्या हो जाएगा, 3-ethyl 6-methyl cyclohex 1 4 1 and 4 1 4 diene, got it, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इनका नोमेनक्लेचर करो, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको इनका नोमेनक्लेचर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ये भी बहुत सिंपल है। जब इनका नाम करते हैं तो बेसिकली यहाँ देखो, यहाँ पर एक साइक्लो एक प्रोपेन ग्रुप, बेसिकली साइक्लो प्रो, अगर सिंपल ऐसा होता तो मैं क्या बोलती, साइक्लो प्रोपेन बोल देती, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं क्या बोलती, साइक्लो पेंटेन, बट अब क्या है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में क्या है कि ये अगर मैं एक को मान के चलूँ, ये बड़े वाली है, हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है, तो मतलब मैं क्या मानती हूँ कि साइक्लोपेंटेन के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो बेसिकली साइक्लोपेंटेन इसका नाम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि प्रोपाइल क्यों लिखा, प्रोपेन क्यों नहीं लिखा, देखो जैसे मिथेन होता है, ठीक है, मिथेन क्या होता है, CH4, वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ये कंप्लीट है, इसको ये कुछ चाहिए नहीं किसी के साथ जॉइंट होने के लिए, इसका इसको किसी के साथ जॉइंट होना है तो इसको एक H अपना निकालना पड़ेगा और CH3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब एक अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप में चेंज होना पड़ेगा, तब जाकर इसकी एक बॉन्ड खाली रहेगा जॉइंट होने के लिए। सिमिलरली साइक्लोप्रोपेन कंप्लीट होता है तो साइक्लोप्रोपाइल ही जॉइंट होता है, गॉट इट। तो ये इसका नाम था। अब अगर मैं इस सेकंड वाले इसकी बात करूँ, इसके अंदर क्या है, साइक्लो, सिमिलरली साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि देखो 1 2 3 4 कार्बन है और किस पर लगे हैं, कुछ इस स्ट्रक्चर पर, ये है क्या, हमने डबल बॉन्ड प्रेफर करनी है और साथ में साइड ग्रुप भी, तो यहाँ से वन पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पर साइड ग्रुप, तो साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, तो साइक्लो पेंट 1-ene, गॉट इट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड क्वेश्चन एग्जांपल की, तो बेसिकली सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको वन मान के चलना है, क्योंकि देखो जहाँ पर अटैचमेंट होती है उसको हम वन मान के चलते हैं। सिमिलरली ये क्या है, इसको भी हम 1, 2 और 3 डैश में मान लेंगे, ठीक है। तो मैं ये जब सेम होता है, जब क्या हो, सेम ग्रुप्स हों,
सेम ग्रुप अटैच हो, ठीक है, अगर सेम ग्रुप अटैच हो एंड विद सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के साथ सेम ग्रुप अटैच हो, तो उसके इसमें क्योंकि दोनों सेम है तो वन डॉट वन डैश, वन इसके लिए और वन डैश ये वाला, वन डॉट वन डैश बाई साइक्लो, बाई साइक्लो का मतलब है दो साइकिल, सेम टू साइकिल, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सेम टू साइकिल, तो वन डैश बाई साइक्लो प्रोपेन, या आपने कोई साइक्लो कोई दोबारा से साइक्लो लगाना बाई साइक्लो लिख देना। सिमिलरली अगर मैं इसका नाम लूँ तो वन वन डैश हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ने ये लो, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, वन डॉट वन डैश बाई साइक्लो ब्यूटेन, गॉट इट, ये इसका नाम है। अब अगर मैं ये बात करूँ थर्ड एक और स्ट्रक्चर में लूँ, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, तो इस केस में हमने नेमिंग कैसे करनी है, सेम वन टू थ्री फोर फोर एंड वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश वन डबल डैश टू डबल डैश थ्री डबल डैश फोर डबल डैश, तो हमने सिंपल क्या लिखना है, वन डॉट वन डैश कॉमा। अब देखो ये वन वन डैश से था, ये वन डैश डबल डैश और थ्री डैश से, तो हम थ्री डैश डॉट वन डबल डैश टर साइक्लो मीन्स थ्री साइकिल्स हैं यहाँ पर, टर साइक्लो ब्यूटेन, गॉट इट। सिमिलरली वन टू थ्री फोर, वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश वन डबल डैश टू डबल डैश थ्री डबल डैश फोर डबल डैश, तो ये यहाँ से जॉइंट है और ये यहाँ से जॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वन डॉट वन डैश कोमा टू डैश वन डबल डैश टर साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं नॉमन क्लेचर के लिए। अब इसके बाद कुछ आते हैं ऐसे कि जिसके अंदर ऐसे होगा, एक साइकिल के अंदर साइकिल आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, अभी मैं बनाती हूँ, इसके बाद नॉमनक्लेचर भी हम करते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, तो हमने क्या देखना है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक तो यहाँ पर अटैच हो रहा है और एक ये अटैच हो रहा है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, तो पहली बात है दो साइकिल है, तो हम इसको लिखेंगे बाई साइकिलो, ठीक है, दो साइकिल ज्वाइंट है, तो हमने बाई साइकिलो यहाँ पर लिख दिया। इस केस में हम लिखेंगे ब्रैकेट डालेंगे स्क्वेयर ब्रैकेट, हम देखेंगे ये यहाँ पर ज्वाइंट है, बट यहाँ पर कितने कार्बन है, वन और टू, और अगर मैं इधर ये वन और टू कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन है, वन कार्बन ओनली, और इधर कोई भी कार्बन, नो कार्बन, कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। कहने का क्या मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने कितने कार्बन, एक साइड पे दो दो कार्बन, एक साइड पे एक ही कार्बन, एक साइड पे कोई कार्बन नहीं है, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना 2.1.0 बाई साइक्लो तो लिख ही लिया था, अब टोटल कितने कार्बन हैं, ठीक है, अब देखो टोटल हैं हमारे पास पांच कार्बन, एक दो तीन चार और पांच, नंबरिंग करेंगे तो बाई साइक्लो यहाँ पर आ जाएगा पेंटेन, दोबारा देख लो, ठीक है, दोबारा क्या देखना है, ये एग्जांपल मैं आपको करवा दूँगी, ये लो, ठीक है। अब इस सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर देखो आप, आपको क्या करना है, जहाँ पर पॉइंट है वो देखो, इसके अलावा अब ये आपने पॉइंट लगा दी, अब आप नंबरिंग करो, यहाँ ये एक दो तीन चार, मतलब इस साइड पे क्या है, चार कार्बन है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इधर कितने हैं, नौ, और इधर कितने हैं, वन कार्बन है, ठीक है, तो फोर वन और ज़ीरो, तो ये भी बाई साइक्लो, फोर वन और ज़ीरो आ गया,
कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 5 6 और ये हो गए 7 कार्बन। टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाला क्या होता है, हेप्टेन। अब अगर मैं ये स्ट्रक्चर की बात करूँ, थर्ड नंबर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो अब इस पॉइंट पे बेसिकली कुछ इधर जुड़ा हुआ था और इधर, इस साइड राइट साइड पे 1 2 3 कार्बन है, लेफ़्ट साइड पे सिर्फ 1 है कार्बन, इधर 3 कार्बन और बीच में 1 कार्बन है, ठीक है। तो 3 1 और 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई साइक्लो 3 1 1, ये कर लिया आपने 3 1 1। अब कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर कार्बन, तो 7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल आप देखो, तो नंबरिंग पहले देख लो कि यहाँ पर अटैचमेंट है और यहाँ अटैचमेंट है, राइट साइड पे 2 कार्बन है, लेफ़्ट साइड पे भी 2 कार्बन है और बीच में भी 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ तक नाम तो आपको पता लग गया, बाईसाइक्लो 2.2.2, ठीक है। अब अगर मैं ये नेमिंग हटा दूँ, अब मेरे को बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, अब क्या नंबरिंग देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल कार्बन है यहाँ पर, तो 8 वाला क्या होता है, ऑक्टेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब अगर फिफ्थ नंबर एग्जांपल अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 1 पर 1 यहाँ से शुरू की है, तो बेसिकली साइड ग्रुप को भी मैंने प्रेफरेंस दे दी, जहाँ पर जॉइंट हो रहा है अगली चेन उसको भी प्रेफरेंस दे दी, तो अब 6 7 8, ठीक है, 8 और ये 9, टोटल 9 है, ठीक है, 9 ग्रुप हैं, 2 और 8 पोजीशन पर, बेसिकली 2 पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 2 मिथाइल। उसके बाद हम देखेंगे बाईसाइक्लो, अब बाईसाइक्लो अगर मैं देखती हूँ, तो यहाँ पर अटैचमेंट है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, राइट साइड पे 1 2 3 3 कार्बन है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 4 3 0 4 3 0, टोटल कितने थे, 9 9 नेम,